सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। तो यार बात कर लेते हैं पेपर टू जेई एडवांस का किस तरीके का हुआ। अभी 5:30 बजे पेपर खत्म हुआ है। कुछ बच्चों से मैंने बात करी है, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, तो मैंने उनसे पूछा यार पेपर कितने मार्क्स का आया था, किस तरीके का पेपर था। ठीक है, मोर और लेस फर्स्ट पेपर के जैसा ही बच्चे पेपर बता रहे हैं, लेकिन कौन से सेक्शन का क्या वेटेज था वो सब मैंने नोट डाउन करके रख लिया है आप लोगों के लिए, जिससे मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं कम से कम टाइम में। ये सब बच्चों के द्वारा ही मेरे को बताया गया है, तो अगर मैं कहीं पे गलत बताऊं तो आई एम सॉरी। वैसे जो बच्चों ने मेरे को बताया, मेरे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा ट्रस्ट पर दिए, तो गलत इन्फॉर्मेशन देते वो लोग नहीं है। तो यार बात कर लेते हैं पेपर टू की। ये भी 180 मार्क्स का आया था, जैसा मैंने आपको बताया। प्रीवियस पेपर के एनालिसिस की वीडियो आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लीजिए, ठीक है। उस टाइम मैंने मना किया था कि स्टूडेंट्स उस वीडियो को ना देखे, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपका पेपर टू का टेम्परामेंट थोड़ा सा बिगड़ जाए, ठीक है। पेपर टू भी 180 मार्क्स का ही आया था, तो टोटल जेई एडवांस 360 मार्क्स का होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मोर और लेस सेम ही रहता है। पेपर वन अगर 180 का, तो पेपर टू भी 180 का ही आना था, ये हमको पहले से ही पता था और हमने आपको बता भी दिया था। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आए थे, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आए थे, पैसेज आए थे और इंटीजर आए थे, ठीक है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, पैसेज टाइप और इंटीजर। इंटीजर के भी दो टाइप आए थे, हो सकता है एक परफेक्ट इंटीजर और एक डेसिमल इंटीजर, ठीक है। इस तरह डेसिमल वाले थे 2.33, 2.44 इस तरीके के, और एक परफेक्ट इंटीजर लाइक 3, 4, 1920 इस तरीके के, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पैसेज और इंटीजर, ये क्वेश्चन हो गए। टोटल 19 क्वेश्चन थे पर सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स में 19, केमिस्ट्री में 19, मैथमेटिक्स में 19, टोटल 57 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का पेपर। फिजिक्स में 12th वाला पोर्शन ज्यादा बताया जा रहा है, साथ ही साथ एटम, न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है बेसिकली, उससे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। एटम न्यूक्लियाई से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा बच्चों ने बताया। केमिस्ट्री के अंदर बच्चे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज ज्यादा है। फिजिकल उस मॉर्निंग वाले पेपर में नहीं थी, लेकिन इस वाले में ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। इंटीग्रेशन सुबह के पेपर में नहीं आया था, काफी शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन इस पेपर में बच्चे बता रहे हैं इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन आए हैं। एक वो कोई पाई फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, ऐसा बच्चों ने रिपोर्ट किया है। कैलकुलस का वेटेज इस पेपर में थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है, जो होना ही था क्योंकि पेपर वन में नहीं आया और IIT कैलकुलस ना पूछा ऐसा हो नहीं सकता, तो पेपर टू में उन्होंने कैलकुलस काफी ज्यादा पूछ लिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों ने रिपोर्ट किया है। पेपर का लेवल कुछ बच्चे बोल रहे सेम है, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मॉर्निंग के पेपर से थोड़ा सा टफर साइड में है। अगर मॉर्निंग का पेपर टफनेस 5 में से 3 था तो ये 4 है, ठीक है। मतलब इस मॉर्निंग से हल्का सा टफर बता रहे हैं बच्चे इस पेपर को, ठीक है। पेपर लेवल थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, मॉर्निंग के पेपर से थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है। 360 मार्क्स का ही पेपर आया। सेव स्कोर की बात कर लो तो IIT मिल जाती है, काफी डिसेंट IIT विद डिसेंट ब्रांच आपको मिल जाती है 40% के स्कोर पे। अगर आपका 40% स्कोर है तो आपको एक अच्छी IIT में अच्छी ब्रांच मिलने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो 360 मार्क्स का 40% होता है 144, ग्रेटर देन इक्वल टू 144 विल फेच यू अ वेरी गुड रैंक इन जेई एडवांस 2021। इस हिसाब से पेपर वन में अगर आपके 72 या उससे ज्यादा है, पेपर टू में भी 72 या उससे ज्यादा है, या फिर पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के आपके 144 या उससे ज्यादा है, ठीक है, 144 या उससे ज्यादा है, पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के, तो आप बहुत ही ज्यादा सेफर साइड में। जेई एडवांस 2021 के अंदर आपको काफी अच्छी IIT मिलने वाली है। जेई एडवांस का रिजल्ट भी कुछ टाइम में आ जाएगा, पेपर और आंसर की भी आ जाएगी, वो उन्होंने डेट बता दी, वेबसाइट पे जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। जोसा काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए 450 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 450, ना 999, ना 599, ना 1299, कोई और यूट्यूब प्लेटफॉर्म इतनी सस्ती काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओनली एंड ओनली 450 रुपीज में जोसा काउंसलिंग आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। चॉइस फिलिंग, जो भी आपको डाउट है NIT से रिलेटेड, IIT से रिलेटेड, IIIT, GFK, हर चीज के लिए 450 रुपीज में सिर्फ आपके लिए जोसा काउंसलिंग कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भर दीजिए, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट करके आपको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दे देगी। ऐसा नहीं है कि हम रोजर पे का लिंक दे दे और आपसे पेमेंट कलेक्ट कर लें, कोई और लिंक दे दे और आपसे पेमेंट कलेक्ट कर लें, हम आपको कॉल करके आपसे पेमेंट लेंगे, ठीक है। कॉल करके आपको मेथड बताया जाएगा कि इस वे से आप हमको पे कर सकते हैं, इधर गूगल पे, फोन पे और बैंक ट्रांसफर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। गूगल फॉर्म के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांग ली जाएगी, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये सब आपको गूगल फॉर्म के अंदर फिलअप करना है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बता देगी। 144 मार्क्स इज द सेफ स्कोर फॉर जे एडवांस 2021, उससे ज्यादा पे आपको एक अच्छी रैंक आ रही होगी और आपको एक अच्छी IIT में एक डिसेंट सी ब्रांच मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किए बिना मत जाना। आप सब एक बहुत ही लंबे फेज से निकल करके बाहर आए हैं, तो आप बिल्कुल किताबों को मत देखिए, बिल्कुल एंजॉय करिए, अपने आप को जितना फ्री रख सकते हैं उतना फ्री रखिए, खूब एंजॉय करिए, दबा के एंजॉय करिए, वेब सीरीज देखिए, मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए, जो आपका मन है वो करें खुल के। काफी टीडियस फेज को आपने क्रॉस कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब आपको फुल मौज करनी है और कुछ नहीं करना, काउंसलिंग पे ध्यान देना है। कुछ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। क्रेजी प्रेप टीम की तरफ से आप सभी को एडवांस के रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।